वेलकम टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मेरा काम हो गया, अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये मैं किचन में आ गई हूँ, ये सब वेजिटेबल मैं क्लीन धो के रहे इधर रख दे रही हूँ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो आज मैं ब्रेड ही मैं थोड़ा ब्रेड को सेक लेती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही बनेगा। तो ऐसे में सेक लिया, अभी थोड़ा मैं पीनट बटर थोड़ा लगा रही हूँ। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो हो गया, अभी थोड़ा ये ड्रम स्टिक लीव्स, अजना साग है, ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको थोड़ा मैं ऐसे उसका पत्ता निकल के अच्छी तरह से ऐसे रख देती हूँ। ऐसे ही हो गया। तो अभी थोड़ा मैं पेस्ट बना लेती हूँ। और ये थोड़ा मूंग पेस्ट हो गया, अभी मूंग दाल थोड़ा मैं फ्राई करके उसको बॉयल थोड़ा कर देती हूँ। वो सजना साग है उसमें मैं डालती हूँ। तो ये अभी परवल मैं आज करी बनाती हूँ, तो मैं उसको ऐसे काट कर लेती हूँ। परवल हमारा पोटल भी बनते हैं। अभी ये कट हो गया, थोड़ा सा आलू में मैं इसमें कट कर दिया। तो उसको धो के अच्छी तरह से मैं ऑयल दे के थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। वो बहुत ही अच्छा ही लगता है, लेकिन उसको फ्राई करके बनाना है तो ये अच्छा ही लगता है। तो ऐसे ही मैं नॉर्मल जैसे हमारा घर पर ही बनता है ऐसे ही मैं बनाती हूँ। पेस्ट तो मैं बना लिया, ये फ्राई भी अभी हो गया, तो उसको प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। हो गया, अभी जैसे ही मैं नॉर्मल ऐसे ही बनाती हूँ, वैसे ही बनाती हूँ, ऑयल दे के प्याज दे के ऐसे ही बना लेती हूँ। होने के बाद ही प्याज थोड़ा मैं उसके बाद कटा हुआ टमाटर को ऐड करती हूँ। हो गया, इसमें जैसे ही मैं वो नॉर्मल ऐसे हल्दी पाउडर चिली पाउडर ऐसे ही ऐड करती हूँ। मैं पेस्ट ही बनाया था, अभी पेस्ट को मैं देती हूँ। ऑनियन जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ही। अभी मैं फ्राई किया हुआ परवल और आलू को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा सॉल्ट में ऐड करती हूँ। आज पूरा देसी जैसे घर पर ऐसे ही खाना आज है, वो पोटल परवल करी आ रहा, वो जो ड्रम स्टिक सजना साग जैसे ही घर पर ही बनता है ऐसे ही खाना आज है।
तो बहुत अच्छा है। तो हो गया, थोड़ा पानी देके मैं उसको थोड़ा अच्छी तरह से बॉईल हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला और धनिया पत्ता भी ऐड कर देती हूँ। इतना ही मैं ग्रेवी रखा, ज़्यादा पानी हुआ तो अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना ही रखा। तो ये हो गया, रेडी हो गया। अभी मैं जो ड्रम स्टिक लीव है उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं थोड़ा ऑयल दे के, थोड़ा मस्टर्ड सीड और रेड चिल्ली दे दिया। अभी मैं इसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ, उसमें डस्ट पूरा रहता है तो उसको ऐसे ही मैं धो के ही करती हूँ। तो ऐसे ही मैं धो के दे देती हूँ। थोड़ा सा होने के बाद मैं मूंग दाल को बॉइल किया था ना, उसको मैं ऐड करती हूँ। मैं सॉल्ट मूंग दाल में ऐड किया था तो इसमें अभी नहीं देती हूँ, क्वांटिटी देख के ही ऐसे तो देना पड़ता है। ये अभी हो गया। ये लंच रेडी है, परवल आलू करी, ड्रम स्टिक स्लीव्स और थोड़ा सा मैंगो आया था और कुकुम्बर सलाद के लिए चिल्ली। ऐसे ही अभी हो गया हमारा। और अभी इवनिंग टाइम हो गया तो थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ। अभी हो गया थोड़ा चाय। अभी हो गया, मैं पी लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तो मैं आज ऐसे ही मेरा चाय हो गया और मैं जो लंच में बनाया था ना आज, बहुत ही अच्छा ही लंच हो गया। क्योंकि मेरा जो ड्रम स्टिक लीव है, जो सजना साग बोलते हैं हम, वो मिल गया। वो ज्यादा ही नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसे ही मिल जाता है तो वो ऐसे ही हम बना लेते हैं। मैं तो मूंग दाल दे के बनाया, वो बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए भी तो अच्छा है और ऐसे भी खाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आज पूरा लंच हमारे घर में जैसे बना था ऐसे ही हो गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे हो गया लंच। और हाय, बेटी तो हो गया, पढ़ाई सब तो ऐसे ही हो गया। और मेरा काम भी सब हो गया। और अभी तो थोड़ा कपड़ा भी था, उसको भी ऐसे ही फोल्ड करके रख लिया। और ऐसे ही तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही आज मेरा काम सब हो गया। और तो आज के लिए इतना ही, रहती हूँ, बाय बाय।